For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो इश्क में मरियामों से जुड़े एक बेहद ही खास अपडेट आप सबके लिए ले आए हैं हम, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि अब कैसे आरोही फंसाने वाली है दीप को अपने जाल में और एक बार देख कैसे सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते चले जाएंगे शो में। जहां सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या हाल रहा था बीते एपिसोड का, जिसमें आपने देखा कि कैसे दीप चला जाता है रोमा को घर से लेने और चवन्नी इतने में अपने एक साथी को लगा देता है उसके पीछे, ये पता लगाने के लिए कि रोमा को लेकर दीप कितनी देर में आ रहा है और वो सब बताता रहता है उसे। जहां चवन्नी खूब कोशिश करता है आरोही को छुड़वाने की लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इतने में रोमा को लेकर दीप पहुंचता है, रोमा उस पर गोली मारने वाली होती है कि इतने में मंत्री का फोन आ जाता है रोमा को और वो फौरन उसे बुला लेता है घर पर, जहां पर दीप को लेकर एक बार फिर से चली जाती है आरोही। वहीं चवन्नी फिर से कोशिश करता है आरोही को छुड़वाने की लेकिन वो नहीं कर पाता है ऐसा। तो वहीं घर पहुंचते देखती है वो विराट और पृथ्वी में लड़ाई हो रही है, जहां पृथ्वी को बोल रहा है वो वेदिका का बाप, लेकिन इतने में ही रोमा जाकर उससे बहस करने लग जाती है कि विराट उसकी बेइज्जत नहीं करता, उसका हाथ मरोड़ देता है। तो दूसरी तरफ दीप और विराट में लड़ाई हो जाती है एक बार फिर से। साथ ही साथ आपने देखा ये सारी बातें मंत्री सुन लेता है और मंत्री रोमा को बोल देता है कि वो राज्यसभा की सीट नहीं ले सकती है और चला जाता है वहाँ से। इससे बौखलाई रोमा पहुँच जाती है आरोही को मारने और उसको गोली चलाती है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तो तारा है उसकी बेटी और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं अगर अब बात करें आने वाले ट्रैक की, जहाँ एक बार फिर से आरोही बुलाएगी दीप को उससे मिलने, तो वहीं अब की बार उसको फंसा लेगी अपने जाल में और खुद के साथ भाग जाने को बोलेगी और दोनों ये फैसला करके निकल जाएंगे साथ में। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.